आज से रोजमर्रा की जरूरतों में कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा। आप ये रिपोर्ट देखिए और सतर्क रहिए। हर महीने की शुरुआत में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर किसी न किसी तरह से पड़ता है। अगस्त महीने यानी आज से भी ऐसे ही कुछ बदलाव होने वाले हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं। पहला बदलाव, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ईकेवाईसी अपडेट करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। 1 अगस्त से किसान पीएम ईकेवाईसी अपडेट नहीं कर सकेंगे। दूसरा बदलाव, अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा लेने के लिए 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब आप इस योजना से वंचित हो सकते हैं। तीसरा बदलाव, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 अगस्त से चेक पेमेंट के नियम में बदलाव किया है। 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की राशि वाले चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम जरूरी कर दिया है। चौथा बदलाव, गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की भी कीमत में बदलाव कर सकती है। पांचवा बदलाव, 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त से आईटीआर फाइल करने पर टैक्स पेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगस्त महीने में बैंकों में काफी छुट्टियां हैं। रक्षाबंधन, मोहर्रम, जन्माष्टमी और कई त्योहारों की वजह से अलग अलग राज्यों में बैंक कुल 18 दिन बंद होंगे। इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। ऐसे में बैंक जाने से पहले एक बार छुट्टियों की लिस्ट को जरूर चेक कर लें।